हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार में शालिनी में। आप में से किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि अगर हम लोग अपनी हॉबी अगर आर्ट बनाते हैं, डिजाइनिंग बताते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट बताते हैं, मेहंदी बताते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों के लिए क्या बन सकते हैं। तो आज उसी का आंसर मैं आप लोगों के लिए सामने लेके आई हूँ कि अगर आप लोग किसी भी तरीके की हॉबी अगर बता रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ जो एडवांटेज है आपके लर्निंग में होना चाहिए, और अगर आपको उसका एडवांटेज कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग उस पर फोकस करिए कि आप लोग जब उस काम को करते हैं तो आप लोग को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सपोज करिए कि अगर कोई मेहंदी की डिज़ाइन कर रहा है, उसकी हॉबी है टू डिज़ाइन मेहंदी, है ना, मेहंदी लगाना, दूसरों को लगाना, खुद को लगाना, डिज़ाइन करना, तो इससे क्या बेनिफिट हो सकता है हमारे बच्चों को, क्या उनके नॉलेज में हेल्पफुल हो सकता है, क्या उनके लर्निंग में हेल्पफुल हो सकता है। तो इसका अगर आप लोग को जवाब पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप लोग में से बहुत लोग होंगे जो डिज़ाइनिंग करते होंगे, क्राफ्टिंग करते होंगे, आर्ट बनाते होंगे, तो इसका क्या यूज़ है हमारी लर्निंग में, ये आपसे सारे क्वेश्चंस जो है ये आपके इंटरव्यूअर्स आपसे पूछेंगे। तो मैंने यहाँ पे टॉपिक भी आज लिखा हुआ है कि हॉबी रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे डिजाइनिंग हो, चाहे क्राफ्टिंग हो, चाहे मेहंदी हो, या फिर कोई भी आपका हॉबी हो, तो आप लोग को उसमें लर्निंग के एडवांटेजेस को ढूंढना है। तो एक बात आप लोग हर एक हॉबी में इन्वॉल्व कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ को करने के लिए, चाहे वो लिसनिंग म्यूजिक हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो क्राफ्टिंग हो, चाहे वो मेहंदी की डिज़ाइनिंग हो, हर एक काम को करने के लिए सबसे पहले उसमें क्लीनिंग चाहिए होती है, सफाई चाहिए होती है, कंसंट्रेशन चाहिए होता है, और यही चीज़ सबसे बड़ी होती है हमारे लर्निंग में भी। तो अगर आपकी हॉबी डिज़ाइनिंग मेहंदी है, आर्ट एंड क्राफ्टिंग है, तो आप लोग ये बता सकते हैं कि सर जो कुछ भी हम लोग काम कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्लीनिंग और कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे लर्निंग में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। क्योंकि मैं आर्ट बनाती हूँ, क्योंकि मैं मेहंदी बनाती हूँ, क्राफ्टिंग करती हूँ, जो कुछ भी है, तो आप लोग बता सकते हैं कि इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल करके सबसे पहले हम लोग बच्चों को उनके को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में हेल्प कर सकते हैं। अगर उनको किसी भी चीज़ को लिखने नहीं आता, किसी भी चीज़ को कुछ अच्छे तरीके से ड्रॉ नहीं करने आता है, तो चाहे आप वो मेहंदी की डिज़ाइन बनाते हो, चाहे आप आर्ट बनाते हो, वो हर एक चीज़ में काम आएगा आपके। और बच्चों के कंसंट्रेशन को भी आप डेवलप वहाँ से करवा सकते हैं, राइटिंग उनकी सुधार सकते हैं, और जो पढ़ने में उनकी एक स्किल डेवलप होनी चाहिए अच्छे तरीके से। कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं पर पढ़ते पढ़ते उनके अंदर सफाई बोलने में नहीं आती है, लैंग्वेज में उनकी सफाई नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, जो इंसान म्यूज़िक सुनता होगा वो म्यूज़िक गाना भी तो उसको आता होगा, तो गाने में भी एक लय होता है, एक तरीके से उसको एक ढंग से गाया जाता है, तो उस तरीके से भी हम लोग बच्चों को उनके लर्निंग में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, कोई अगर मेहंदी बना रहा है तो वो बच्चों की राइटिंग को सुधारने में ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, उसके कंसंट्रेशन को डेवलप करने में हेल्पफुल हो सकता है, और किस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ को एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग अपने इन सारी हॉबीज़ के थ्रू लर्निंग में डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं, आप लोग अपनी हॉबी से रिलेटेड चाहे कोई भी हॉबी अगर आप लोग बताइए तो ये चीज़ उसमें ज़रूर इन्वॉल्व करिए कि हर एक काम को करने में कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, नीट एंड क्लीननेस की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे तरीके से उस पर फोकस्ड होने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे लर्निंग में भी इन्वॉल्व होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बच्चों के अंदर डेवलप करके, और जो चीज़ें हमारे पास हैं, जो कुछ हमें सीखा है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हम बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, उनको अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो हम उनको और आगे बढ़ के खुद की तरफ से हेल्प करना चाहेंगे, ताकि उनकी फ्यूचर में जो कुछ भी उन्होंने डिसाइड किया है, जिस भी वे में वो लोग जाना चाहते हैं, हम लोग उनको अच्छे तरीके से डेवलप होने में हेल्प करेंगे। क्योंकि हमारे पास ये क्वालिटी है कि हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, हम क्राफ्टिंग कर सकते हैं, जिसकी मदद से अगर किसी भी बच्चे का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, किसी भी बच्चे का इसमें इंटरेस्ट होगा, तो हम उसकी ज़रूर हेल्प करेंगे, और साथ साथ सभी बच्चों के अंदर जो क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए लर्निंग की, हम इसमें उनकी मदद जरूर करेंगे। तो ये रहे आपके आंसर्स, किसी भी हॉबी से रिलेटेड अगर आप लोग हैं तो आप लोग ये पॉइंट्स उसमें ज़रूर इन्वॉल्व करिए, और अगर मेरी तरफ से इस आंसर में कुछ आपको कमी लग रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसमें और क्या क्या आंसर हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप लोग अपनी तरफ से अगर इसमें कोई भी पॉइंट ऐड करना चाहें तो ऐड करिए, साथ साथ में कमेंट करिए, ताकि मैं भी देखूँ, मैं भी सीखूँ उससे, और आप लोग हर एक चीज़ में आगे बढ़ते रहिए। कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिले, चाहे मुझसे चाहे कहीं से, तो आप लोग वहाँ से सीखिए, मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मिलता रहेगा, तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहूँगी आप लोगों के लिए, थैंकफुल रहूँगी, ताकि आप लोगों ने मुझे भी कुछ बताया है। तो ये रहा मेरे समझ से आंसर, मेरी थिंकिंग, मेरी एबिलिटी के हिसाब से आंसर, कि आप लोग ये सारी चीज़ें किसी भी हॉबी से रिलेटेड अगर हैं आप लोग, तो अपने एजुकेशन में इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करके आप लोग अच्छे तरीके से इसका आंसर बना सकते हैं। तो अगर ये आंसर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।